अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मैकरोनी। ईजीएस्ट वे में आपको दिखाने वाली हूँ मैं। अभी कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल लिया, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साइड बाय साइड मैकरोनी भी बॉईल करने के लिए रख दे पहले से ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस पर मैंने अभी ऐड किया है 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फाइनली सब टोमेटो, 2 टमाटर मैंने ऐड किए हैं इसमें। टोमेटोस को सॉफ्ट होने तक पका लें। उसके बाद रेड चिली पाउडर, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैंने ज़्यादा डाल लिया। आप चाहे तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ब्लैक पेपर पाउडर एंड धनिया पाउडर। अभी इसमें जा रहा है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा सोया सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम लो पर रखें। अभी इसमें टोमेटो केचप अराउंड 2 टीस्पून। अभी इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल लें 1 टीस्पून जितना, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत ही अच्छा बनता है। जो मैंने मैकरोनी बॉईल कर लिए थे अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़। तो आज दीदी आई हुई है घर पे दावत है। ममो सारा किश की पापा की पापा की भी और मम्मा की भी और दीदी की भी। हाँ, क्या कर रही हूँ मैं? वीडियो काट रहा हूँ। अंगे थे सो क्या देखे वहाँ पे? पिंक हाउस। एनिमल्स कौन से देखे? टाइगर और एलिफेंट। पीकॉक? हाँ, शेर भी देखे। कैसा दिखिया शेर सामने से? ओ देखा सो ऐसा। हाँ ओ, अभी मैं बनाने जा रही हूँ हरे मसाले का गोश एंड खुशका। तो ये मैंने 1 किलो गोश लिया है। तो धनिया इतना लिया है। लहसुन और अदरक अलग से पीस लें। 1 मीडियम साइज की प्याज मैंने कट करके रख लिया है। अभी हम लोग लहसुन अदरक पीस लेंगे, उसके बाद उसका थोड़ा सा पेस्ट लेके हरी मिर्ची डाल लें और फिर ये जो धनिया है सारा का सारा पीस लें। अभी कुकर में तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल लें, अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दें। तब तक हम लोग मसाला रेडी कर लेंगे गोश्त के लिए। तो मैंने इसमें नमक डाला, अभी थोड़ा हल्दी डाल लें। ये थोड़ा गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है एंड 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो हरिया मसाला जो हमने बनाया था वो ऐड कर लें। इसमें अभी एक छोटा टमाटर काट कर डाल दें। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अभी इसमें गोश्त ऐड कर लें। डालने के बाद अभी इसको 5 मिनट अच्छे से पका लें। तो हमारा अच्छे से तैयार है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर लगा दें, गोश्त गलने तक ये पका लें। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने तेल, अभी हरी मिर्च डाला है 2, इसमें अभी 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करके ऐड कर लें। तो अभी इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा लाइट ब्राउन होगा तो चलेगा। अभी इसमें मैं लहसुन अदरक और
जो धनिया पीस लिया था उसका मिक्सर डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है ये खुशका। इसमें गरम मसाला और पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अभी पानी ऐड कर पानी को उबलने के लिए रख दें। थोड़ा सा नमक डाल लें आपके स्वाद अनुसार। मैंने चावल को आधा घंटा भिगोने के लिए रख दिया था। अभी पानी अच्छे से उबलने के बाद चावल ऐड कर लें। अभी चावल को अच्छे से पकने के लिए रख दें। ज़्यादा चम्मच ना डालें, चावल फूट जाएगा हमारा। तो अभी सारा पानी गिर चुका है, इसको अभी दम पे छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए। ये हमारा गोश्त गल चुका है, अभी थोड़ा पानी है, थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा। ये हमारा गोश्त बनकर तैयार है, हरा मसाला। ये सिंपलेस्ट वे है, आप और कई तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी हरे मसाले की एंड और बहुत सारी। ये देखते हैं अभी हमारा खाना कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको बोल में निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हमारे घर में 11वीं शरीफ को यही बनता है। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। शुक्रिया आप सब लोगों का देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।